हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ एजुकेशन कैंप। एवं आम डिस्कसन करवा नवम श्रेणी अनुश श्रेणी फाइव पे। तो पे पूर्व आम फाइव पे नौ नंबर पर्यटन अलरेडी डिस्कसन कर सारी तुम्हें जब से भिडियो देखिना तो मो चैनल अवेलेबल अच्छी तुम्हें मो चैनल को जाइए से भिडियो पाइपर। तो ये आम डिस्कसन करवा दस नंबर रु। तो पे दस नंबर आम डिस्कसन करवा। तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व समस्त मोर गोटे रिक्वेस्ट कि चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं पाखर थी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो, जहाद्वारा कि मुझे जिते बेले भी नुआ नुआ एवं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वीडियो गुड़ी को नहीं केसिबी तार नोटिफिकेशन तुम्हें सर्वप्रथम पाइपर एवं देखिपार। तो पे नेटवर्क इश्यू पर रेगुलरली टी वीडियो अपलोड हो पारानी, तो पे से सॉरी बहुत ट्राए करने आज टी नेटवर्क टिके भल आसा तथापि टिके लेट्रे अपलोड हो से पे सॉरी। तो डेरी करिबानी स्टार्ट करिबा। तो देखो दस नंबर आमर कौन रही क्वेश्चन और तार आंसर केमती बाहर करिबा। तो देख क्वेश्चन आमर दे गोटे समकोणी समदी बाहू त्रिभुजर समकोण संलग्न गोटे बाहूर दैर्घ्य हो 96 सेंटीमीटर है यार समकोण रु कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य निर्णय कर। तो देख पे आम के बाहर करवा ना सम देख प्रथम कौन करवा ना समकोणी समदी बाहू त्रिभुजर प्रथम लिखिद समकोण संलग्न बाहूर दैर्घ्य केमुक दे। तो प्रथम कौन देटा को प्रथम लिखिदेव। तो लिखिद 96 सेंटीमीटर तो यार क्षेत्रफल केमती बाहर कर ना क्षेत्रफल देख। तो क्षेत्रफल के अंदर करे हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तले हाफ इंटू आमर कौन भूमि उच्चता आम छयानबे छयानबे। तो ये कौन करेंगे दुई हाफ इंटू छयानबे गुणन छयानबे करदे तेल दुई रे छयानबे को जब काटे तो ये आम कई जी दुई चार आठ दुई आठ षोल अड़चाश होगा तो अड़चाश गुणन छयानबे करदेव। तो अड़चाश गुणन छयानबे के चार हजार छःश आठ वर्ग सेंटीमीटर तेल क्षेत्रफल आम बाहरी गला। तो कर्णर दैर्घ्य केमती बाहर ना छयानबे रु टू सेंटीमीटर तेल समकोण रु कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य के बाहर केमती बाहर ना कौन कर ना दुई गुणन क्षेत्रफल बाय कर्णर दैर्घ्य करदेव। इज गुणु के दुई गुणन क्षेत्रफल आम बाहर लगे थे चार हजार छःश आठ विभक्त कर्णर दैर्घ्य हो छयानबे रु टू तेल ये आंसर के आंसर आमको मिल 48 रूट टू सेंटीमीटर तेल कौन लिख ना अते समकोण रु कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य 48 रूट टू सेंटीमीटर बुझीगला। तो नेक्स्ट जी एगार नंबर। एगार नंबर दे कौन ना गोटे समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल गोटे वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल 3.5 गुण वर्गाकार क्षेत्रर क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य 20 मीटर है त्रिभुजर परिसीमा निर्णय कर। तो ये कौन करवा ना रूट थ्री इज कल आम के मैंने आम कौन करदे ना एक पूर्णक तीन व्यक्तक चारि हम बोली आमको ये दिखाई। तो देखो प्रथम कौन लिखा ना लिखा वर्गाकार क्षेत्रर कर्णर दैर्घ्य हूँ 20 मीटर तेल क्षेत्रफल के हाफ इंटू कर्णर स्क्वेयर तेल हाफ इंटू कर्ण हूँ के 20 गुणन 20 तेल ये कौन हो दुई राम करके काटदे तेल ये कहते हैं 10 तेल 20 गुणन 10 के 200 वर्ग मीटर तेल 200 वर्ग मीटर आम कौन बाहर वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहर। तापर देख कौन करवा ना देख संभव त्रिभुजर क्षेत्रफल आम के बाहर करवा तो ना 200 गुणन 3 पूर्ण एक व्यक्तक दुई आम जो रूट थ्री थी है एटा आम ये पकेबानी एटा है 200 गुणन 3 पूर्ण एक व्यक्त दुई वर्ग मीटर होगा तो ये आम के ना 200 गुणन 7 व्यक्त को दुई कि नहीं तो ये आम के दुई रही आपको कैनसल करदे तो आमको मिले कैसे 100 तेज़े 100 गुणन 7 के 700 वर्ग मीटर तेल कौन लिखा ना मन कर जाऊ समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहूर दैर्घ्य हो एक्स मीटर यार क्षेत्रफल के क्षेत्रफल हो रूट 3/4 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर तेल यहाँ के ना एक पूर्णक तीन व्यक्त चार विभक्त चार एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर तेल यहाँ के मिले ना 7x² डिवाइडेड बाय 16 वर्ग मीटर तेल प्रश्न अनुजाई कौन हो ना 7x² डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 700 तेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के मिले ना 700 गुणन 16 विभक्त सात सात यहाँ को कैनसल करदे यहाँ के ना हो 100 तेल 100 हो गले 100 गुणन 16 आम के 1600 तेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के मिले आमको 1600 तेल एक्स इज इक्वल टू के सरी पे पागे खराब हो टे घड़घड़ी मारूँ तो से सरी टे ट्राए कर टे बुझापी। तो देखो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल आमको 1600 मिलला तो एक्स इज इक्वल केव ना 1600 रूट ओवर तेल 1600 रूट ओवर के 40 हो कि नहीं। तो नेक्स्ट है संभव त्रिभुजर प्रत्येक बाहूर दैर्घ्य आम के 40 मीटर तेल तार परिसीमा केमती बाहर ना 3×40 कहीं 3×3 बाहू तेल देख 3×3 बाहू हेल्ला के 120 मीटर तेल आमको जो देखा परिसीमा बाहर करवाई तेल परिसीमा कौन हो अत्यप लिख अत्यप संभव त्रिभुजर परिसीमा 120
मीटर लिखिदे। तो नेक्स्ट है बार नंबर, बार नंबर कौन देला ना गोटे समबाहु त्रिभुजर अंतस्थ एक बिंदु रु यार बाहू मान प्रति अंकित लंबत्रयर दैर्घ्य केते हबो ना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हेले त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय कर। तो देख कौन बाहर ना देख केमती लिख मन कर जाओ समबाहु त्रिभुज आमर कौन ओ एक अंतस्थ बिंदु तेल ओपी लंब बी सी ओ क्यू लंब ए सी ओ आर लंब ए बी हम तेरे ओपीटा देमुक 3 सेंटीमीटर ओ क्यू देमुक 4 सेंटीमीटर ओ आर हो 5 सेंटीमीटर तेल ये कौन लिख ना मन कर समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहूर दैर्घ्य 1 सेंटीमीटर तेल त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल केते हम क्षेत्रफल हो त्रिभुज ओ ए ओ बी सी क्षेत्रफल त्रिभुज ओ सी एर क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए बी क्षेत्रफल तेल ये आमको आंसर के मिल ना रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वेयर एटा के इजिकल टू के हाफ एक्स इंटु 3 प्लस हाफ एक्स इंटु 4 प्लस हाफ कौन हो एक्स इंटु 5 तेल ये आमको जब आम सबूक गुणन करदे और हाफ जब सब थे कमन नहीं गले तो गुणन करवानी तो ये कौन करवा हाफ आम सब एक हाफ सब कमन नहीं जा तो कमन नहीं गले ये रहा कौन हाफ आम हाफ सहित तो एक्स भी कमन नहीं जा क्या एक्स भी आम सबुटे अच्छी तो करवा हाफ एक्स कमन नहीं गले रही 3 + 4 + 5 एपटे बाम पर्सर आम के रहा रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वेयर तेल ये के रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वाल टू 6x कहीं ये आम देख के ना 4 × 3 = 7 × 5 = 12 तेल 12 हो गले 12/2x एतिक ना नहीं तो दुई रेटा करदे के 6 तेल ये आम के 6x तेल एति की इजिकल टू आम 6x मिलला तेल खाली एक्स स्क्वेयर इजिकल टू के बाहर आम ये कौन करवा सरी एक्स स्क्वेयर इजिकल टू नवानी आम एक्स नहीं जावा एक्स इजिकल टू के 6 × 4 डिवाइडेड बाय रूट 3 यो एक्सटा था ये एक्सटा को आम वर्ष की नहीं गले है ये मिलला 6 × 4/√3 तेल ये 8√3 होपर लिखा अत्यप संभव त्रिभुजर क्षेत्रफल तेल कौन हो √3/4 × x² इज इक्वाल टू √3/4 × 8√3 × 8√3 वर्ग सेंटीमीटर तो ये आम के आंसर ना 48√3 वर्ग सेंटीमीटर बुझिपार तो कौन लिख अत्यप ना अत्यप लिख संभव त्रिभुजर क्षेत्रफल 48√3 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 13 नंबर कौन गोटे त्रिभुजर परिसीमा हूँ 84 सेंटीमीटर यार गोटे बाहर दैर्घ्य 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हूँ 336 वर्ग सेंटीमीटर हेले अन्य बाहु द्वयर दैर्घ्य निर्णय कर। तो यठार 2s इज इक्वल टू के 84 सेंटीमीटर तेल सी एस ये आमको के स्मॉल सी दे 30 सेंटीमीटर तो मन कर ये कौन नहीं मन कर है देला ना आमर कौन दे त्रिभुजर क्षेत्रफल के 336 वर्ग सेंटीमीटर लिखिदे लिख ना मन कर ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तेल बी इज इक्वल टू के 84 − 30 − x हो नहीं तेल आम टोटाल के 5x − x cm तेल देख तेल ये कौन हो त्रिभुजर क्षेत्रफलटा के एस इंटु एस माइनस ए इंटु एस माइनस बी इंटु एस माइनस सी करदे तेल आमर एसटा एसटा हूँ 42 तेल एस माइनस ए मैंने कौन एटा हूँ के एक्स तेल ये आम एसटा अच्छे 42 − x हो गला तापर एस माइनस एसटा हूँ 42 बीटा हूँ के 54 + x तो ये आम पकईदे तापर दे एस माइनस सी एसटा हूँ 42 सीटा हूँ 30 पकईदे तापर कौन करवा ना को सरल करदे तो सरल करदे ये कौन हो 42 × 12 हो गला ये जब माइनस करदे 42 × 30 गला के 12 तेल 12 × ये आम कथ 42 − x लिखिदे इंटु ये आम के 42 × 54 गले 12 तो −12 ये हो 1 − 12 बुझिपार तेल ये आम बाहरी गलापर कौन करवा ना प्रश्न अनुसार मुझे कौन देना क्षेत्रफलटा के 336 तेल ये मुझे कौन लिखिदे ना 42 × 12 इंटु 42 − x इंटु 1 − 12 रूट ओवर इज इक्वल टू 336 तेल आपको कौन लिखिदे ना देख ये आम कौन करवा दीपटे आम वर्ग नहीं जापटर वर्ग नहीं जापटर भी आम वर्ग नहीं जा तेल वर्ग नहीं गले कौन हम रुट बटा एपट सैड्रे उठीज तो उठी गले एपटे कौन हो 336 × 336 कौन करवा ना देख ना ये आम रखीदे कौन ना ये जो बाम पर्स रखीदे ये जो गुणन होपट को आम हरण करदे तो हरण करदे ये आमको मिल कत 8 × 28 मिल तेल 8 × आम कौन कर 42 जब आम 36 को काटा 336 को आमको के 8 मिल जब 12 को आम कौन करवा
तापर आम बार जो 336 की काटा तो आमको कैसे मिले 28 तेल देख तेल ये आमको मिले 8 ये 28 तेल 8 गुण 28 ये डायरेक्ट लिखिदेज तापर देख कौन दे या को आम कौन करवा ना या सहित या गुणीदे तो गुणी दे तो गुणी दे के ना 42x माइनस 42 तापर कौन करवा ना 12 माइनस इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वेर प्लस 12x इज इक्वल टू के ना 224 कहीं 8 गुण 28 आम 224 तापर कौन करवा ना देख ये आम जो एक्स स्क्वेर रहा एक्स स्क्वेर को लिखिद देख कौन करवा ना 42x ये 12x मिसीगला के 54x लिखिदे तापर कौन करवा ना देख ये माइनस 42 गुणन 12 करदे के मिले आमको माइनस 504 तापर एपटे जो अच्छी 224टा तो याकू आम बाम पार्श्व को नहीं जाए के माइनस 224 होगा बुझीगला तापर कौन करवा ना सबुति आम माइनस गोटे गुणीदे माइनस गुणीदे कहीं माइनस गुणले कहीं ये आम एक्स स्क्वेर पदर आम माइनस अच्छी तो याद प्लस करने आम ये कौन करवा माइनस गुणवा तो माइनस गुणले ये आम कौन हो सब गुड़ाकर चिन्ह बदली जब तो चिन्ह बदली जब बदली गले कौन होटा हो प्लस एटा प्लस अच्छे एटा माइनस होटा माइनस अच्छे प्लस होटा माइनस अच्छे ये प्लस हो प्लस हो गले देख 504 ये मिशाण 224 तेल के 728 तेल के एक्स स्क्वेर होगा एक्स स्क्वेर यहाँ हो प्लस 54 एक्स अच्छे यहाँ हो माइनस 54 एक्स यहाँ होगा 728 तो होगा तापर आम कौन करवा ना आम ये जो समीकरण पाइले आम जमी करती मैंने गुणन कले आम के 728 होमें जो पूर्व क्लास अष्टम पढ़ी गुणन कले 728 आम जब मिशाण करवा माइनस 54 मिले एमती दुटा संख्या बार करवा तो संख्या दीटा कौन हम ना गोटे हो माइनस 28 गोटे हो माइनस 26 ताले आम पकईदे तो कौन करदे ना एक्स स्क्वेर माइनस 28 एक्स माइनस 26 एक्स प्लस 728 इज इक्वल टू 0 तापर कौन करवा एक कमन ना तो कमन नहीं कि कौन करवा एक्स कमन के दुटार ना कमन जब एक्स एक्स कमन गले रेत एक्स माइनस 28 तापर यही दुटार आम कौन कमन जब ना माइनस 26 कमन जब माइनस 26 कमन गले रहा एक्स माइनस 28 तापर यही दुटा जाकर यही दुटा जगह आम कमन के एक्स माइनस 28 तो एक्स माइनस 28 कमन गले आ रहा कौन एक्स माइनस 26 आम रहा ये एक्स माइनस 28 गुणन एक्स माइनस 26 तेल ये एक्स इज गल के 28 ये एक्स इज गल बाहर 26 तेल आम दुटा कौन बाहर ना त्रिभुज अन्य बाहू द्वार दैर्घ्य कौन हम गोटे 28 हम गोटे 26 हम तो अत्यपाईटे लिखिदेव बुझीगला तो नेक्स्ट देखदे 14 नंबर गोटे त्रिभुजर बाहू मान दैर्घ्य यथाक्रमे 25 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर हेले यार बृहत्तम बाहू उपर विपरीत कोणिक बिंदुर अंकित लंबर दैर्घ्य निर्णय कर तो देख आम कमी बाहर करवा ना ये नहीं जा मनेकर त्रिभुजर बाहर दैर्घ्य हूँ 25 सेंटीमीटर आउ मान सरी बाहर दैर्घ्य जो देदे ए इज इक्वाल टू आम 25 सेंटीमीटर नहीं जा बीटा हूँ 29 सीटा हूँ 36 है आमर एसए मैंने जोटा आम अर्धपरिसीमा कहती तो अर्धपरिसीमा जी कलू के बाहर एसए जी कलू ना ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू तो एटा हूँ आम 25 बीटा हूँ के 29 सीटा हूँ 36 तीन टाक मिसे दुई विभक्त करदे तो देख ये कौन हो लबे विभक्त दुई के 45 सेंटीमीटर तेल त्रिभुजर क्षेत्रफल केमती बाहर ना एस इंटू एस माइनस ए इंटु एस माइनस बी इंटु एस माइनस सी तेल एसटा हूँ 45 तेल 45 माइनस ए के 25 है एस माइनस बी 45 माइनस 29 एस माइनस सी मैंने 45 माइनस 36 है रुट ओवर पकईदे रुट ओवर पकईदे सारापर कौन करवा ना युवा सब आम समाधान करदे फेड़िकिना तो फेड़दे कौन हो 45 गुणन 45 माइनस 25 के 20 45 माइनस 29 के 16 45 माइनस 36 के 9 तेल न न हो गला कौन करवा ना यार सब छोट छोट आम सब कौन करवा आम गुणन करके छोट छोट ये भांगा है भांगे ये कौन हो 45 जब भांगा तो ये कौन होमर होन गुणन तीन गुणन पाँच हो गला ना तीन तीन न पंचा 45 तो ये आम भांगीदे 20 आम जब भांगा तो कैसे भांगा छोट छोट संख्यार भांगे कौन हो 5 दुने 10 10 दुने 20 आम एगला 16 जब भांगा तो कौन हो ना 4 2 आम 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 आम कैसे हो 16 9 को भांगे कौन हो 3 गुणन 3 तापर आम कौन करवा ये संख्या गुड़ाक बाहर एटा कौन करवा ना दुईटार गोटे संख्या आम ना तो देख तीन दुईटा अच्छे तो गोटे तीन ने दुटा पाँच अच्छे गोटे पाँच ने दुटा दुई अच्छे गोटे दुई ने दुटा दुई अच्छे ये गोटे दुई ने दुटा दुई अच्छे गोटे दुई ने दुटा तीन अच्छे गोटे तीन ने कहीं गोटे गोटे तीन ने गोटे गोटे संख्या आम नौ कहल कहीं ये आम कौन अच्छी गोटे वर्गमूल बसीच वर्गमूलटा को उठेपी हेले
आमे कौन करिबा दुईटा संख्या रु आमे गोटिए संख्या को नबा तापर कौन करिबा ना एही संख्याटा को पूरा को गुणी देबा तो गुणी देकि इटा आंसर केते हबो सेटा बाहर जइबो तले केते हबो 3 गुणन 5 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 तले हमर केते मिलबो 360 वर्ग सेंटीमीटर तले बृहत्तम बाहुर दैर्घ्य केते हमर बाहरला 36 सेंटीमीटर तापर आमे कौन करिबा ना लिखि देबा मन करा जाउ एहार एहा प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य होछि 1 सेंटीमीटर तले त्रिभुजर क्षेत्रफल केते हबो हाफ इंटु भूमि गुणन उच्चता तो आम कैसे 36 गुणन एक्स तो ये आम कैसे बढ़ो दुई में जब आम यहाँ काटिद कैसे 18 तो 18 ही गले ये आम कैसे 18 इंटु एक्स 18 एक्स वर्ग सेंटीमीटर तो त्रिभुजर क्षेत्रफल मिल गला 18 एक्स किंतु आमको के आम लिखिद प्रश्न अनुसार 18 एक्स इज इक्वल टू 360 कहीं आमको क्षेत्रफल दे दे अलरेडी 360 बोली तो 18 एक्स इज इक्वल टू 360 लिखिदेले तो एक्स इज इक्वल टू कैसे 360 हरण 18 तो 360 हरण 18 कैसे 20 तेल बृहत्तम बाहु प्रति विपरीत कोणिक बिंदुर अंकित लंबर दैर्घ्य के 20 सेंटीमीटर बुझीगला तो नेक्स्ट भाग को देख 15 नंबर तो कौन दे गोटे त्रिभुजर बाहू मान दैर्घ्य अनुपात केते 3:5:7 और परिसीमा होती 300 मीटर है त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय कर तो देख कमी बाहर करवा प्रथम लिखिदेव त्रिभुजर बाहू मान दैर्घ्य अनुपात 3:5:7 मनकर बाहू मान दैर्घ्य कौन हो 3x 5x और 7x तो ये आमको प्रश्न अनुसार देसी जो तीन टा जाक बाहूर दैर्घ्यर समष्टि आम के 300 तो ये आम लिखिद 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 तो 5 × 3 = 8 × 8 = 7 के 15 तो 15x इज इक्वल टू 300 ही गला ये देख तापर कौन करवा जब 15x इज इक्वल टू 300 है तो एक्स इज इक्वल कैसे 300/15 तो 300/15 कैसे 20 तो मैंने आमको एक्स मिलगला तो एक्स मिलगले आम 3x 5x 7x बाहर करना ना तो एक्स जब मिलगला देख एक्स मिलगला तो 3x कौन हो एक्स जगह आम कौन पुट करदे एक्स जगह आम 20 पुट करदे तो 20 गुणन 3 कैसे 60 तार 5x 5 गुणन 20 तेल के 110 तापर हो गला 7x तेल 7x एने के 7 × 20 ये 140 तेल आमर कौन बाहर गला गोटे 60 गोटे 60 गोटे 110 गोटे 140 बुझिपारल तेल आमर बाहरी गला देख ये तेल एस इज इक्वल कैसे 300/2 मान 150 सेंटीमीटर तापर देख तेल एस इंटु एस माइनस एम बाहर करवा तो ए हूँ आम के 60 बी हूँ 100 सी हूँ 140 तेल देख तेल ये आम से अनुसार बाहर आम तीन टाक जो मिसेदेव तेल 300 होने 300/2 हूँ आम 150 आम डायरेक्ट ये बाहर करदे है तुम तो ये आउ गोटे स्टेप कर एस इज इक्वल टू 60 मिशाण 140 विभक्त 2 यहाँ गोटे स्टेप लिखिपार या पूर्व है ये गोटे लिखिदे 300/2 है तो यहाँ को लिखिपर तापर कौन करवा ना तो फर्मूला पकईदे क्षेत्रफल त्रिभुजर क्षेत्रफल तो एस इंटु एस माइनस ए इंटु एस माइनस बी इंटु एस माइनस सी तो एस हूँ 150 एस माइनस ए मैंने 150 माइनस 60 एस माइनस बी मैंने 150 माइनस 100 एस माइनस सी मैंने 150 माइनस 140 तेल ये 150 गुणन 50 × 150 60 गला के 90 150 × 100 गला के 50 150 × 140 गला के 10 तो ये आम के मिल 150 गुणन 90 गुणन 50 गुणन 10 तो ये आम के मिल 50 गुणन 3 आम 150 को जब भांग के मिल 50 गुणन 3 तो 90 को जब भांग के मिल 90 को जब आम भांग के 9 × 10 है तापर 50 आम 50 सेमती रखीदे 10 को आम सेमती रखीदे देख ये आम 50 कतटा अच्छी देख 50 आम ये कतटा अच्छी 2 50 रु गोटे 50 आसला तापर आमर देख ये कौन आस देख यो 9टा अच्छी 9टा को आम भांगी पार कि नहीं 3 × 3 तेल 2টা 3 रु आम गोटे 3 आसला है आम 10 2টা अच्छे 10 2টার गोटे 10 आसला तो ये देख गोटे 3 रहा तो गोटे 3 जोटा रहा से आम किसी पार्बन तेज़ आम कौन करवा रुट अनुसार पकईदे कहीं वर्गमूल आम उठी पार्बनी तेल उठी पार्बन जेहतु ये आम कौन हो √3 हो गला तेल कौन करवा गुणन करदे 50 × 3 × 10 कैसे 1500√3 वर्ग मीटर तेल आम बाहरी गला त्रिभुजर क्षेत्रफल कैसे लगे अत्यप त्रिभुजर क्षेत्रफल आमर के त्रिभुजर क्षेत्रफल कैसे ना 1500√3 वर्ग मीटर है। नेक्स्ट देख 16 नंबर क्वेश्चन देला गोटे समद्विबाहु त्रिभुजर परिसीमा है 30 सेंटीमीटर और प्रत्येक सामान बाहर दैर्घ्य के 12 सेंटीमीटर है त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय कर तो देख
केमती बाहर करवा ना समद्विबाहु त्रिभुजर परिसीमा हूँ के 30 सेंटीमीटर प्रत्येक सामान बाहुर दैर्घ्य के 12 सेंटीमीटर मनकर त्रिभुज ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू के 12 सेंटीमीटर ताल बी सी इज इक्वल टू के 30 माइनस 12 माइनस 12 ताल के टोटाल 6 सेंटीमीटर तेल ए डी लंब बी डी आमर कौन है ना ए डी लंब बी सी होने कौन है बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तेल ये ए डी इज इक्वल के 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तेल 12 स्क्वायर के 144 3 स्क्वायर हो के 144 माइनस 9 के 135 रूट ओवर तो 135 टाक आम जब भांगा तो कौन करवा 3 × 3 × 15 तापर कौन करवा ना 3 × 3 जो अच्छे आम कौन जा गोटे 3 नहीं जाए 15 जो होगा तो 15 आम कौन जा रुट ओवर होसीजे रुट ओवर होसीगले ये आम देख के आंसर मिलगला आमको एडीटा ना एडीटा मिलगला 3√15 सेंटीमीटर तेल त्रिभुज क्षेत्रफल केमती बाहर ना क्षेत्रफल हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तेल हाफ इंटू भूमि हूँ 6 उच्चता आम एडी बाहर के 3√15 तो ये आम आंसर के ना 2 आम जो करदे के 2 × 3 = 6 × 3 = 9 9√15 सेंटीमीटर तेल आमको आंसर के मिलला ना आंसर मिलला 9√15 वर्ग सेंटीमीटर बुझिपारल अतेप लिख अतेप त्रिभुजर क्षेत्रफल 9√15 वर्ग सेंटीमीटर तो पे ये आमर टोटाल 5 एर क्वेश्चन आंसर तो पे जदि कौटि किसी डाउट रही जाए मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पचारिपर एवं वीडियो टी भल लगी गोटे लाइक कर करदेव और सब सांग पे वीडियो गुड़िक शेयर कर एवं से मध्य कह कि आम चैनल सहित से जॉइन होकर रे थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय।